आज हम बात करने वाले हैं HDFC क्रेडिट कार्ड के बारे में। आप ये कैसे पता लगा सकते हो कि आपके HDFC क्रेडिट कार्ड का ड्यू डेट यानी कि बिल कब जनरेट होता है और किस तरीके से आपको पे करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने HDFC को लॉगिन कर रखा है, तो यहाँ पर देखिए कोई सा भी HDFC क्रेडिट कार्ड है तो उसको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, उसकी ड्यू डेट देख सकते हो। पहले क्या होता था कि प्ले स्टोर पर जाते थे तो वहाँ पर एक माई कार्ड का एप्लीकेशन आता था, लेकिन अब एप्लीकेशन वहाँ पर नहीं आता है, वो हटा दिया गया है। तो किस तरीके से आपको करना है वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अब बेसिकली आपके पास HDFC क्रेडिट कार्ड है, सबसे पहले आपको ब्राउजर ओपन करना है। कोई सा ब्राउजर ओपन कर सकते हो, यहाँ पर मेरे पास है क्रोम ब्राउजर। आपको यहाँ पर सर्च करना है माई कार्ड्स HDFC। अब देखिए सबसे ऊपर वेबसाइट आ रही है mycards.hdfc.bank, यही वेबसाइट है। इस पर आपको मोबाइल नंबर के थ्रू यहाँ पर देखिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपके क्रेडिट कार्ड के साथ फ़ोन नंबर लिंक है वही आपको यहाँ पर इंटर करके गोल्ड गेट OTP के ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP आपको यहाँ पर इंटर करके इसको सबमिट कर देना है। ठीक है, OTP आ चुका है, सिंपली यहाँ पर मैं क्या करता हूँ सबमिट कर देता हूँ। सबमिट जैसे ही क्लिक करता हूँ मैं सबमिट के ऑप्शन पर, अब आपके कार्ड की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, आपके ट्रांजेक्शन कितने हुए हैं सब कुछ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। अगर आपको डेट देखना है कि हमारे लिमिट कितनी है तो लिमिट भी यहाँ पर बता रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ड्यू डेट, यहाँ पर आपको डेट दिखा रहा है, यहाँ पर 10 नवंबर हमारे इसमें आ रहा है। आपका जो बिल जनरेट हुआ है वो यहाँ पर दिखा रहा है कि 28,135 का आपका बिल यहाँ पर जनरेट हुआ है। तो 10 तारीख के पहले आपको पे करना पड़ेगा, या फिर 10 के बाद पे करते हो तो आपको इसमें जो है चार्जेस लगने वाले हैं। यहाँ पर पे के ऑप्शन पर क्लिक करके आप UPI से सिंपली पेमेंट कर सकते हो, UPI या फिर गूगल पे से पेमेंट ईजिली कर सकते हो। तो यही सिंपल सा वीडियो है, अगर हेल्पफुल लगा हो तो और भी कुछ चीज़ यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर कार्ड को कंट्रोल, लिंक्ड EMI और रिवार्ड पॉइंट ट्रांजेक्शन वगैरह यहाँ से मैनेज कर सकते हो। तो यही था इस वीडियो में, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी और वीडियोस देखने के लिए।